प्रेम इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर प्रेम का जो तल होता है, एक होता है मोह। जैसे किसी वस्तु के अंदर हो गया कि मुझे तो इस गाड़ी से प्यार हो गया, मुझे तो अपनी गाड़ी से बहुत प्रेम है, मुझे तो अपने घर से बहुत प्रेम है, मुझे तो अपनी पुस्तकों से बहुत प्रेम है, मुझे तो सांसारिक वस्तुओं से बहुत प्रेम है। ये मोह होता है जो, ये प्रेम नहीं होता, क्योंकि मोह बंधन का कारण होता है और प्रेम बंधन को तोड़ने का काम होता है। मोह में जीव बंध जाता है और प्रेम में जीव सब बंधनों को तोड़ देता है। प्रेम के लिए कोई भी सीमा लांघ देता है। संसारी की स्त्री पुरुष के प्रेम की बात करें, बहुत उदाहरण है संसार के अंदर, बहुत इस प्रकार के इतिहास में जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, सर कटवाने से भी नहीं चूके, सब कुछ अपने आप को उसी में स्थापित कर दिया, सब कुछ उसी में समाप्त कर दिया, उसी मार्ग में। ये सांसारिक प्रेम, ये मोह से थोड़ा ऊपर का तल होता है कि जिस प्रकार से इतिहास में हीर रांझा, लैला मजनू, स्त्री पुरुष के प्रेम, लड़का लड़की का जो आजकल चल रहा है, ये सेकंड मध्यम तल है। ये जो श्रेष्ठ तल होता है वो होता है परम तत्व का तल, परमात्मा से प्रेम करना, आत्मा से प्यार करना। उस प्यार में पाना नहीं होता, चाहिए कुछ नहीं होता कि क्या लेना है। मोह के अंदर तो बस लेना है, इसलिए मोह है। पर मध्यम तल जो होता है वो लेना और देना होता है। जो उत्तम होता है, जो फर्स्ट श्रेणी का है, वहां लेना कुछ नहीं होता, बस देना ही देना होता है कि चाहिए क्या, परमात्मा से प्रेम क्यों करते हो। जब प्रेम की शुरुआत होती है, आंखों से अश्रु बहने लगते हैं, वो प्रेमी चाहिए, वो परमात्मा चाहिए कि उसका करोगे क्या, कि कुछ नहीं। उससे क्या चाहिए आपको, कुछ नहीं। लेना क्या है, नहीं चाहिए। प्रेमी लोग मुक्ति से भी मना कर देते हैं, मोक्ष से भी मना कर देते हैं, और जब वो देने के लिए आते हैं कि बोलो क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इतना गहरा प्यार हो जाता है अपने आप को, कभी कभी वही समझने लगते हैं, उसी को देखने लगते हैं। लेकिन हमारे कुछ गुरु लोग प्रेम को नहीं समझ पाते, सांसारिक वस्तुओं मात्र को प्रेम को प्रेम मान लेते हैं। छोटी छोटी वस्तुओं से प्रेम हो जाए उसको प्रेम मान लेते हैं। ये प्रेम नहीं है, ये मोह है।
लेकिन जो प्रेम होता है वो आत्मा के तल के ऊपर होता है, परमात्मा के तल के ऊपर होता है। जो वास्तविक निष्काम जो प्रेम किया जा सकता है वो परमात्मा से प्रेम किया जा सकता है, उसको सब कुछ समर्पण किया जा सकता है कि तेरा तुझको अर्पण। बस प्रेमी की जो स्थिति है देखते ही पता चल जाएगी, आंखों से अश्रु बहते नजर आएंगे, उसे होश नहीं होगा शरीर का, वस्त्रों का भी होश नहीं होगा, जीवन का भी होश नहीं होगा, संसार का भी होश नहीं होगा। लेकिन जो उसको होश होगा उस परम तत्व का, वहां की जो यात्रा है कैसे उन्होंने तय की होगी, कैसे वहां तक पहुंचते हैं, एक एक चीज को बड़ी सावधानी के साथ देखते हुए, बड़ी सावधानी के साथ सीखते हुए, बड़ी सावधानी के साथ अनुभव करते हुए, बिना नजर इधर उधर किए, बिना गर्दन हिलाए, बस सीधा एक टारगेट कि वहां पहुंचना है, उसको पाना नहीं, अपने आप को उसमें मिटा देना है, अपने आप को उसमें समाप्त कर देना है। ये नहीं कि वो मुझे मिले, नहीं, अपना अस्तित्व मिटा देना है। जैसे प्रकृति में देखिए कि प्रकृति में नदी अपना अस्तित्व मिटा देती है, लकड़ी अपना अस्तित्व मिटा करके अग्नि पैदा कर देती है। तो इस प्रकार से जब अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है, इतना सीखने को मिलता है, जो रास्ता तय होता है, जो अनुभव होते हैं, जो प्रेम का आनंद बरसता है, जो आंखों से अश्रु बहते हैं, जो रोम रोम रोमांचित हो जाता है, जो ये शरीर पवित्र हो जाता है, जो मन पवित्र हो जाता है। विचार तो बस एक ही होता है, बस वहां पहुंचना है, अपने आप को उसके समर्पण कर देना है।